ये बकरे वाले घुस गए और यहाँ पर साइड में हमारे अम्माद भाई, हमारे क्या कहते हैं असलम भाई, अनवार साहब वगैरह यहाँ पर खड़े हैं। कबूतर वाले तो 8 बजे सुबह आके बैठ गए थे, पहली जगह गिर ली उन्होंने। जी सर, वो हैदराबाद से आते हैं ना। हफ्स बहुत हो रहा है, मैं तो खुद अभी सोच रहा हूँ चला जाऊँ। खिचड़ी बनाई हुई है इन्होंने। हाँ, ये देखें कि यहाँ ये फिंच वाले हैं और ये दुम्बे वाले हैं। हमारे वहाँ पर अच्छी खासी कस्टमर हैं, जो लेडीज आती हैं या हम उनको कह देते हैं कि बाजी आप लोग ना हो तो शाम के टाइम में फिर भी लेडीज आ जाती हैं। यार साफ सुथरे लोग जो है ना वो अवॉइड करेंगे, बेपर्दगी हो। दूसरे देखो दुम्बा का चला, वो टक्कर मार दे किसी आंटी को, अल्लाह ना करे भाई। तो बाइक पे ही बैठे हुए, उतर नहीं रहा, खैरियत तो है। तरतीब समझ में नहीं आया, तरतीब समझ में नहीं आया। अभी सभी पैसे दे के खड़े हुए हैं। अभी यहाँ पे कोर्ट पर 300 रुपए दे के आया हूँ भाई, मैं तो बेकार है। हम लोग क्या यार, हम लोग ऑनलाइन में भी परिंदा बेचने, लेडीज हाँ ना, तो और क्या, ये लेडीज का भी काम है भाई। हमारी लेडीज भी आती है परिंदा लेने के लिए। जो तोता लेने आता है दुम्बे का रेट पूछे तो दुम्बे वाले तोतों का रेट पूछ रहे। ये बड़ी जबरदस्त बात बोली, शरबत फिर कबूतर फिर बकरा फिर बर्ड, यार कैसे चलेगा ऐसा निजाम। गाँव वाले मजे के साथ जो खड़े होते हैं, फिंचों वाले जो मजेदार खड़े होते हैं, उनके लिए सब ये पट्टी लग जाए। इतने लोग हैं वहाँ जो मस्जिद के बाहर बैठते हैं, चारों तरफ जो बैठते हैं मजेदार, वो इधर आ जाए। तो दोस्तों इस टाइम मैं आ गया हूँ यहाँ पर अंदर वाली साइड पे। तो यहाँ पर जो है दुम्बे बकरे परिंदे सब जो है वो मिक्स हो चुके हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये बकरे वाले घुस गए और यहाँ पर साइड में हमारे अम्माद भाई, हमारे क्या कहते हैं असलम भाई, अनवार साहब वगैरह यहाँ पर खड़े हुए हैं छुप छुपा के। अब इन लोगों से भी बात करेंगे और देखेंगे ये भाई क्या कंडीशन चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, कैसी तबीयत है आप लोगों की, पहले ये बताएं। अली भाई वालेकुम अस्सलाम। अली भाई पहले तो आपके तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अम्माद भाई कैसी कंडीशन है, मजा आ रहा है ये बताएं आप। यार अली भाई जगह तो चले अच्छा चले, जगह तो सिस्टम तो एक बन गया है, लेकिन इस सिस्टम के अंदर ना देखे ना बकरे वालों का काम हो सकता है, सही है, ना कबूतर वालों का, ना परिंदों वालों का, सही है क्योंकि एक खिचड़ी बन गई है। खिचड़ी बन गई है, मैं यही देख रहा हूँ, बराबर में आपके दुम्बा खड़ा हुआ है। हाँ, अब आप ये देखें ना, ऐसा लग रहा है हम दुम्बा बेच रहे हैं। अच्छा दुम्बे वाले ये परेशान है कि वो चिड़िया का पूछने आया है पूछ रहा दुम्बे का, और दुम्बे का पूछने आया है तो पूछ रहा चिड़िया का, तो यानी अजीब ही अजीब ही माहौल बना हुआ है। तो भाई सिस्टम को थोड़ा सा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे दुरुस्त करेंगे, सिर्फ लगे। हम तो ये चाह रहे हैं कि लगे, सबका काम चले। हाँ, क्योंकि ये भी बकरे वालों का भी बेचारों का सीजन है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बेचारे कहाँ कहाँ से किस किस तरह जमा कर करके लाए हैं, सही है। उनका सिस्टम एक अलहदा है, हम लोगों का सिस्टम अलहदा है, कबूतर वालों का अलहदा है, मुर्गी वालों का अलहदा है। अच्छा कबूतर वाले तो 8 बजे सुबह आके बैठ गए थे, पहली जगह गिर ली उन्होंने। जी सर, वो हैदराबाद से आते हैं ना सर, कबूतर वाले तो ज्यादातर हैदराबाद से आते हैं, तो वो अपनी जगह मुर्गी वाले और कबूतर वाले जी। मुर्गियों वाले कबूतर वाले क्योंकि इंटीरियर वगैरह से ज्यादा है, बकरों का भी सिस्टम दुम्बों का भी इंटीरियर से ज्यादा है। हाँ। तो सिस्टम इंशाल्लाह बन जाएगा, अल्लाह ने चाह कोशिश करेंगे। इंतजामिया से भी रिक्वेस्ट कर देंगे चल के अम्माद भाई, और क्या, इंतजामिया से बात करेंगे इंशाल्लाह ताला, सिस्टम करेंगे, क्योंकि ठेले वाले देखें बीच में उनका भी रोजगार है। अच्छा मतलब मसला यही हो गया ना आज के, मतलब ठेले वाले भी वहीं खड़े हुए हैं, वहीं बकरे वाले भी हैं और वहीं परिंदे वालों को भी। मसला ये कि सबका रोजगार है ना, सब परेशान है। हाँ, तो हर बंदा तो ये चाहेगा ना यार मेरा लगे, तो सबको देख के चलना है अल्लाह ने। और ऐसे में तो बिजनेस भी नहीं हो सकता, ना बकरे वालों का होगा ना परिंदे वाले का होगा। भाई मैं इस ठेले के पास काफी देर से खड़ा हुआ हूँ। हाँ। इसके पास एक गिलास नहीं बिका, गर्मी इतनी है। हाँ। क्या सिस्टम ही नहीं है ना, सिस्टम ही नहीं है। एक सिस्टम इंशाल्लाह बन जाएगा अल्लाह ने चाह, सबकी अल्लाह ताला रोजी देने वाला जात जो है वो उसकी है। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाअल्लाह देगा अल्लाह ने चाह। अच्छा यानी कि अम्माद भाई अब ये आप कह सकते हैं कि एक साइड पे जो है वो बर्ड्स वालों को कर दें भाई। हाँ। एक साइड पे बकरे वालों को कर दें भाई, इस तरीके से चलाएंगे ना, जैसे कि अब जो हमारा अपना दिमाग है। जी जी जी, हमारा अपना ये है कि बकरे वालों का जो सिस्टम है, बकरे वालों का सिस्टम उधर भी हो। हाँ। जो उधर लगाना चाहता है तो फिर उधर ही पक्का, या फिर पूरा उसी साइड पे दे दें वो पूरा रोड जो जा रहा है, या तो फिर बिल्कुल पीछे दे दें, सही है, उधर बिल्कुल पीछे फेंक दें। हाँ। उसके बाद जो है वो आपके कबूतर वाले आ जाएं, मुर्गी वाले आ जाएं, फिर बर्ड्स वाले आ जाएं, फिर जाल वाले आ जाएं। क्योंकि अगर फ्रंट पे जाल वाला होगा तो उसको देख के ऑडियंस वहीं ऑटोमेटिक आएगी, सही है, ऑटोमेटिक आएगी, परिंदों का सिस्टम हो गया, और टोटल जितने भी साइडों पे टोटल ठेला हो, सही है बिल्कुल, कि आपकी दोनों यानी पूरी स्ट्रीट बन गई वो एक तरीके से, पूरी स्ट्रीट आपकी बन जाए, साइडों पे सारा आपका ठेले वाला हो, सिस्टम हो, और ठेले वालों का रोजी का राजिक तो अल्लाह है ना।
बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके अंदर ठेले वालों को समझाया जाए कि भाई शरबत वाला खड़ा है तो बराबर में भी अगर शरबत वाला आ गया तो उसका मालिक अल्लाह है रोजी का, उसके उसके नसीब का देगा, डिपेंड करता है ना यार वो तो फिर इंशाल्लाह ताला ऐसे कुछ अल्लाह करे कि सेटिंग बन जाए। ये तो हमारा दिमाग अभी बोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाकी इंशाल्लाह ताला अनवार साहब से भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कर ले। हाँ, तो अनवार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अनवार साहब आप तो काजल वाजल लगा के मेरे ख्याल से आए, फुल तैयार हो के। मेरी तबीयत अभी भी सेट नहीं है। और अभी कंडीशन कैसी है अनवार साहब आपके हिसाब से? बस बेहतर है लेकिन सही नहीं है, आगे अल्लाह मालिक है। गर्मी वही हो रही है मेरे ख्याल से, यहाँ तो परिंदों की हालत और बिगड़ जाएगी क्योंकि हफ्स इतना हो रहा है। हफ्स बहुत हो रहा है, मैं तो खुद अभी सोच रहा हूँ चला जाऊँ। चले जाऊँ क्योंकि यहाँ तो पूरी खिचड़ी बनाई हुई है इन्होंने। हाँ, ये देखें कि यहाँ ये फिंच वाले हैं और ये दुम्बे वाले हैं। हाँ। बाद वही हमाद भाई वाली आ जाती है कि तरतीब इन्होंने खराब की हुई है। तरतीब खराब है पूरी। अब चूंकि पहला पहला है तो हो सकता है कि शायद वो आगे तरतीब इसकी बनाए कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, हमाद भाई ने सही मशवरा दिया कि फ्रंट में जो है वो जाल वाले आ जाएं, उनके पीछे जो है वो तोते चिड़िया वाले आ जाएं। सही है। उसके बाद मुर्गी कबूतर वाले आ जाएं। सही है। फिर दुम्बे वाले अगर उस तरफ जाना चाह रहे हैं तो उस तरफ चले जाएं। अच्छा, उस साइड पे तो वो बहुत बड़ा रोड है, मतलब वो आधे से ज्यादा तो खाली पड़ा रहता है। बस अगर बकरे वाले अगर सारे वहाँ पे मुंतकिल हो जाए, यहाँ पे बर्ड वाले हो जाए तो तरतीब अच्छी बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, यही होना चाहिए। फिर शरबत वाले हैं तो एक तरफ शरबत वाले, खाने पीने वाले वो हो जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तरतीब एक हो जाएगी तो एक तरतीब एक अच्छा लगेगा और मजा भी आएगा काम करने में, मजा आएगा। मजा आएगा। और फिर एक वही वाली बात है हमारे भाई, हमारी मार्केट में लेडीज नहीं आती। लेडीज नहीं आती क्योंकि जाहिर सी बात है, कैसे आएंगे? हमारे वहाँ पर अच्छी खासी कस्टमर है जो लेडीज आती हैं, या हम उनको कह देते हैं कि बाजी आप लोग ना हो तो शाम के टाइम में फिर भी लेडीज आ जाती हैं, आ जाती हैं क्योंकि थोड़ा सा रश कम हो जाता है। लेकिन इस तरीके के माहौल के अंदर कोई अच्छा बंदा, अच्छा अच्छे से मुराद ये हो गया कि यार साफ सुथरे लोग जो है ना वो अवॉइड करेंगे, अवॉइड करेंगे, शौक से पीछे हटेंगे। क्योंकि आप देख रहे हो मंडी वगैरह का सिस्टम एक अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर खुल्ले डुल्ली जगहें होती है, लेकिन यहाँ पर जो है अच्छे लोग, अब जब वो घुस रहे हैं तो जाहिर सी बात है हर बंदा टकरा रहा है, ठोकरे लग रही है। गलत बात हो जाती है, बेपर्दगी भाई, बेपर्दगी। और दूसरे देखो दुम्बा का वो टक्कर मार दे किसी अंटी को, अल्लाह ना करे भाई। तो ज्यादातर लोग जो है वो फिर अवॉइड करेंगे, मार्केट से हटेंगे और सेपरेट हो गया तो मेरे ख्याल से फैमिलीज भी आएंगे फिर। हाँ, फिर सिस्टम आपका अच्छा होना चाहिए ना यार, साफ सुथरा आपको चलने की जगह हो। हाँ सही है, आपके सिस्टम से पिंजरे लगे हुए हो आपके यार। यकीन माने डिफेंस वाला इतवार बाजार वो इतना जबरदस्त लगता है ना, वो जो क्लिफ्टन पे लगता है, क्या तरतीब है अनवार साहब उसकी, रोड भी है चलने का, स्टॉल भी लगे हुए, खाने के ठेले, हर चीज तरतीब सर, वहाँ की इंतजामिया अच्छी है ना सर। हाँ चलें भाई, यहाँ पर ऐसा करते हैं हम असलम भाई के पास भी थोड़ा सा चले हैं। अनवार साहब गिरिएगा मत बकरों में भाई, गिरे हुए कैसे हैं असलम भाई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? असलम भाई आप तो बाइक पे ही बैठे हुए, उतर नहीं रहे, खैरियत तो है? वो असल में आज पहले पहले इन्होंने सिस्टम को लगाया लेकिन तरतीब समझ में नहीं आया। तरतीब समझ में नहीं आया, हो जाएगा इंशाल्लाह। हमें हमें हम लोगों को देना होगा तरतीब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमें हम लोगों को देना होगा तरतीब भाई। आगे जो है ना जाल का सिस्टम हो जाए, सही है, उसके बाद फिर हम लोग जो परिंदे वाले, परिंदे का सिस्टम हो जाए, उसके बाद कबूतर हो जाए, उसके बाद मुर्गी हो जाए। हाँ। और ये जो जूस वाले, रेड़ी वाले, जो शरबत वगैरह, फिर ये सब खाने पीने का आइटम तो आखिरी में लगा, एक साइड पे कर दे, बिल्कुल आखिरी में। ये बकरा भी नहीं चलेगा, बकरा को भी आखिरी में लगा। हाँ। जब जाएगा भले पैसे हमें देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी भी दिए हैं वो तो, अभी भी दिए, 100 के जगह में वो 200 ले ले। हाँ। पैसे का परवाह नहीं, हमें एक रिलीफ तो मिल रही है, बस एक छांव दे दे, सिक्योरिटी मिल रही है। हाँ। जैसी पंडाल लगा यार वो अपना वर्क करे। हाँ। हम खुशी से देंगे यार, 100 मांगेंगे 150 देंगे और 200 देंगे। अभी सभी पैसे देके खड़े हैं यहां पे, हमने अभी यहां पे कोर पर थे, 300 रुपए देके आया हूं भाई। 300 रुपए दिए आपने, हमने बोला तू और चाहिए और ले ले, क्या बात है। लेकिन सिस्टम को आप सही बनाओ, यानी 300 रुपए देने के बाद भी सिस्टम ना चले तो बेकार है यार। अब देखो ना यहाँ पे ये बकरा है, ये परिंदा भी हम लोग ने अभी फटकी लगाया भी नहीं है, अभी लगाया भी नहीं है। मैंने यकीन माने मैंने पहले यही बोला कि डिस्कशन कर लूँ आप लोगों से कि क्या सीन चल रहा है यहाँ पे मार्केट का, तो सबके हिसाब से जो है वो सिस्टम अलग हो सकता है। ये पहली मरतबा इनका आने वाले संडे को अपना एक सिस्टम बनाए, लेकिन सिस्टम ऐसी बनना चाहिए। मैं तो बेकार है, हम लोग क्या यार, हम लोग ऑनलाइन में भी परिंदा बेच लेंगे, ऑनलाइन बिक जाता है और नहीं तो क्या, अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं। अगर
प्रॉपर तरीका से ये अगर चलाएंगे तो हम लोग आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। नहीं तो नहीं आएंगे, वो 300 भी गए फिर एक बंदा आते हैं ना, हमारे एक बंदे के हिसाब से 50 बंदे आते हैं परिंदे के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, अब अगर 50-50 रुपए भी एक बंदे से लगाए जाए तो कितने हो गए भाई। बात यहाँ पैसे की आई नहीं रहा, सिस्टम बनाओ 100 के जगह में 200 ले लो, सही है, परवाह नहीं सर आंखों पे। लेकिन मसला ये है कि सिस्टम बनाओ बकरा, ये आपको तो जनरल सोच होना चाहिए कि आपने शरबत वाले को कैसे आगे दे दिया। मतलब शरबत तो वाला है, फिर कबूतर वाला है और फिर परिंदे वाला है, ये क्या निजाम? आप देख लो परिंदा लेके खड़े कि रेली में खाने पीने वाले को फ्रंट में आपने डाल दिया, इसीलिए आपने उतारा ही नहीं है लेडीज। हाँ ना, तो और क्या, ये लेडीज का भी काम है भाई, हमारी लेडीज भी आती है परिंदा लेने के लिए, और ये कंडीशन होगा तो आएगी कोई भी नहीं आएगी पब्लिक यार, असलम भाई कहाँ से आएगी। चले भाई, ये असलम भाई का भी मौकफ हो गया, असलम भाई हम बकरे वालों का भी थोड़ा सा मौकफ ले लेते हैं, बेचारे वो भी परेशान है, परेशान है। हाँ तो भाई यहाँ पर जो है हमारे बकरे वाले भी बहुत सारे जो है परेशान चल रहे हैं। अबे भाई ये बताओ, आप परेशान हो ये परिंदा मार्केट से या नहीं हो, ये बताओ। उसका बकरे माल है। अच्छा तो सब सेट चल रहा है आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? सलाम, खैर है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ये बताएं आप परेशान तो नहीं है, सब सेट चल रहा है? और क्या परेशान होंगे यार, बाल की मंडी बकरी है, बकरों की बकरियों का मंडी थी। जी जी जी, कुत्ते वाले परिंदा वाले शरबत वाले सारे आ गए, उनका भी काम नहीं चल रहा है, हमारा भी नहीं चल रहा है, आपका भी नहीं चल रहा है, किसी का भी नहीं चल रहा है। वजह है कि पता नहीं पड़ रहा है ग्राहक कौन सा है, तोते वाला कौन सा है। जो तोता लेने आता है दुम्बे का रेट पूछे तो दुम्बे वाले तोतों का रेट पूछ रहे हैं। ये बड़ी जबरदस्त बात बोली है, बंदा क्या करे, पता ही नहीं पड़ रहा है ग्राहक कौन सा है। तो भाई यहाँ पे जाहिर सी बात है दुम्बे वाले भी परेशान है यार, बर्ड्स वालों को फालतू में, या फिर या तो एक प्रॉपर जगह बना दे, अलग 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 कर दे, फिर समझ में आ रहा है और नहीं तो क्या। तो भाई यहाँ पे ये लोग भी बड़े परेशान परेशान। अच्छा ही देखिए कबूतर वाले भी, इसको हटा देगा, मसला नहीं है। अच्छा भाई कबूतर वाले भी यहाँ पर साथ साथ चल रहे, तो यही वाला सिस्टम चल रहा है दोस्तों। आप लोगों को सारी सिचुएशन ये मैं दिखा रहा हूँ, बड़ा मतलब बुरा माहौल चल रहा है यहाँ का। तो असलम भाई ने तो अभी तक अपना केज उतारा ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जो कबूतर वाले, अच्छा ये सिक्वेंस देखें कि शरबत, फिर कबूतर, फिर बकरा, फिर बर्ड, यार कैसे चलेगा ऐसा निज़ाम? तो ये निजाम को हमें सही करने की बस जरूरत है दोस्तों। तो कामरान साहब, मैंने अभी डिस्कशन किया हमाद भाई से भी, और इसके अलावा अनवार साहब वगैरह भी हम लोग खड़े हुए थे, तो वहाँ तो खड़ा होना काफी मुश्किल है, और फिर धूप भी इतनी ज्यादा है, जाहिर सी बात है बर्ड तो मर जाएगा इतनी धूप के अंदर। तो आपका क्या सजेशन है इसके बारे में? सर मेरा सजेशन ये है कि ये जो जगह जिधर मैं खड़ा हूँ, करीमाबाद, और ये जो इनके पास खड़ी है, ये दुकानें खुलती हैं शाम के टाइम, रात में, दिन में सुबह नहीं खुलती है, रात में खुलती है दुकानें ये, और इतवार वाले दिन अक्सर मार्केट बंद ही रहती है। तो यहाँ से वहाँ से ले जाके, वो सामने देख रहे हैं, वहाँ से ले जाके और ये सामने तक, ये देखें यहाँ से लेके और ये सामने तक, जहाँ पर हसन मोटर लिखा हुआ ना, वहाँ पर ठीक है, हसन लिखा हुआ सामने, वहाँ तक ये जगह है। यहाँ पर सब वो जो मस्जिद के साथ जो लोग खड़े होते हैं ना, जी 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 जी, गाँव वाले मस्जिद के साथ जो खड़े होते हैं, फिंचो वाले जो मस्जिद खड़े होते हैं, उनके लिए सब ये पट्टी लग जाए, सही। और ये सामने जो है ना, अपने सामने जो है ना मोटरसाइकिल नहीं खड़ा होने दें, सही है। और ये जो ठेले खड़े होते हैं अपने सामने ना खड़ा होने दें, ताकि ये जो है ना, ये कॉरिडोर मिल जाएगा, लोगों को आने जाने का रफ मिल जाएगा, और आपकी बेहतरीन ब्रीड बिकेगी, आराम से आप इज्जत के साथ दे सकते हो, इज्जत के साथ काम कर सकते हो। बाकी अगर जाल वाले खड़े होते हो, उस तरफ चले जाए, रोड की तरफ चलाए, जाल वाले खड़े होते हैं रोड की तरफ चले, सही है। फिर जाल वालों को जिनको माल देना रोड पे, हमें जो माल देना है वो इधर, हम तो जाल वालों को देते ही ना, हमें जो माल देना है इस तरफ बैठ जाए, साइड पे लाके आराम से सुकून से बैठ जाए, और ये मार्केट खुलेगी जो है ना, इतवार वाले दिन बंद होती है, बंद होती है, और खुलती भी है तो शाम में कुछ दुकानें खुलती है, कुछ दुकानें आना शुरू होते हैं। तो बेहतर ये है कि भाई इज्जत से काम करें ना यार, अच्छा सारा माल को चाहिए, मेरे को चाहिए, और जितने लोग हैं वहाँ जो मस्जिद के बाहर बैठते हैं, चारों तरफ जो बैठते हैं मस्जिद का, वो इधर आ जाए। चले अभी ये लोग आते हैं तो फिर हम लोग ऐसा करेंगे, एक मीटिंग मीटिंग कर लें। हाँ बिल्कुल, मीटिंग कर, जगह देखे, हल निकल आए ना यार उसको, बिल्कुल हल, और फिर आप शाम तक यहाँ खड़े हो जाओ, आपका आइडिया हो जाएगा यार कौन सी दुकान खोल दी है, कौन सी नहीं खोल रही। दो तीन हफ्ते में वैसे ही आइडिया हो जाएगा, और मेरे मुझे ये पता है कि यार ये शाम में मार्केट इतवार वाले दिन नहीं खुलती है, वाले दिन नहीं खुलती। तो आप सिर्फ उनको, पुलिस को यही चाहिए ना कि यार रोड बंद हो जाता है, रोड ब्लॉक हो जाता है, तो उसको तरतीब से कर लो ना यार, सही है। जब हम तरतीब से करेंगे चीजों को तो चीजें दुरुस्त हो जाएंगी यार, दुनिया के अंदर होता है यार, यहाँ पर भी सही कर लो यार, यहाँ पर जरूर थोड़ी है, बकरे वालों के साथ घुस जाओ और उनके साथ घुस जाओ यार आप, ठीक है, फिर बिल्कुल वाले जो लगे हुए ठीक है, लगे रहे बकरे वाले, कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारे को हमारा अपना काम है, प्रॉब्लम है, ठीक। चलें तो कामरान साहब का दोस्तों, आप लोगों ने सजेशन सुन लिया, यहाँ तक अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों को जरूर मिलूंगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अबे यार दुम्बा मेरा तोड़िए यार, ये मुझे दुम्बे में अभी आग लगी होगी वैसे। चले भाई, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों को जरूर मिलूंगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।